देखिए, ये जो पूरा मसला था पिछले कल जो संजौली के अंदर एक प्रदर्शन हुआ, बड़े स्तर पर हुआ, और उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, अस्पताल में हैं, और कुछ प्रदर्शनकारी भी उसमें घायल हुए हैं, वो भी उपचाराधीन हैं। हमने कल भी कहा था हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, मगर कानून अपनी प्रक्रिया को पूरा करेगी और कर रही है। सरकार जो है वो कानून के हिसाब से चलती है, और आज उसमें जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो मस्जिद कमेटी है उनके ऑफिस बेरर्स हैं, उनके नाम हैं मोहम्मद लतीफ जो इसके अध्यक्ष है, और शहजाद मौलवी जो वहां के मौलवी है, उनके साथ करीबन 18-19 लोग आज कमिश्नर से मिले हैं, एमसी कमिश्नर से, और उन्होंने कहा है कि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए हम यहां पर जो है वो इसको सील करने के लिए तैयार है। इसके लिए एक लिखित चिट्ठी उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर को दी है, उस पर म्युनिसिपल कमिश्नर कार्रवाई करेंगे, उसको सील किया जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी फैसला म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में इसके अवैध और ना अवैध होने पे जो आएगा, अगर उसको डिमोलिश करने की बात कल आती है तो उसका भी वो सम्मान करेंगे। देखिए, ये जो पूरा मसला था पिछले कल जो संजौली के अंदर एक प्रदर्शन हुआ, बड़े स्तर पर हुआ, और उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, अस्पताल में हैं, और कुछ प्रदर्शनकारी भी उसमें घायल हुए हैं, वो भी उपचाराधीन हैं। हमने कल भी कहा था हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, मगर कानून अपनी प्रक्रिया को पूरा करेगी और कर रही है। सरकार जो है वो कानून के हिसाब से चलती है, और आज उसमें जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो मस्जिद कमेटी है उनके ऑफिस बेरर्स हैं, उनके नाम हैं मोहम्मद लतीफ जो इसके अध्यक्ष है, और शहजाद मौलवी जो वहां के मौलवी है, उनके साथ करीबन 18-19 लोग आज कमिश्नर से मिले हैं, एमसी कमिश्नर से, और उन्होंने कहा है कि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए हम यहां पर जो है वो इसको सील करने के लिए तैयार है। इसके लिए एक लिखित चिट्ठी उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर को दी है, उस पर म्युनिसिपल कमिश्नर कार्रवाई करेंगे, उसको सील किया जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी फैसला म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में इसके अवैध और ना अवैध होने पर जो आएगा, अगर उसको डिमोलिश करने की बात कल आती है तो उसका भी वो सम्मान करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।